शांति डिवाइन नेचर की ओर चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, नेचर अपने आप में ही डिवाइन है और इसकी रोग को ठीक करने की जबरदस्त क्षमता है। शरीर हमारा प्रकृति से बना है और प्रकृति से ही ये इसको ठीक किया जा सकता है। जैसे कोई गाड़ी है या मोबाइल है तो जिस कंपनी ने बनाया है वो उसी से ही ठीक होगा। ठीक इसी तरह से अगर शरीर में रोग आते हैं तो रोगों को ठीक करने की क्षमता अगर है तो वो प्रकृति में ही है। इसीलिए इस चैनल का नाम भी डिवाइन नेचर क्योर है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको रोजमेरी गुल मेहंदी के बेनिफिट बताऊंगा, साथ साथ इसको आप कैसे घर में ही एक पौधे से कई पौधे बना सकते हो, प्रोपेगेट कैसे करें इसको, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो लास्ट तक इस वीडियो को आप देखते रहें। ये देखिए, सबसे पहले तो गुल मेहंदी का जो रोजमेरी का जो प्लांट है, ये आज मेरा मैंने पिछले साल जो लिया था ये रोजमेरी का प्लांट, और बहुत ही खूबसूरत है, हरा भरा रहता है और इसमें छोटे से फूल भी आते हैं। बहुत खुशबूदार है इसका और पूरे साल हरा भरा बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया ये हो गया है। और इससे मैंने बहुत सारी कटिंग से ही मैंने इसको ग्रो किया है और कईयों को मैंने गिफ्ट किया है। तो आज इसके मैं हेल्थ बेनिफिट आपको बताता हूँ। पहले सबसे पहले तो ये काम करता है जिनको भी भूलने की आदत हो जाती है, अल्जाइमर की प्रॉब्लम है, उसको ये ठीक करता है, याददाश्त को बढ़ाता है। तो अगर किसी को ये समस्या है तो रोजमेरी का आप जो है यूज कर सकते हैं। दूसरा इसका लाभ है, ये बहुत खुशबूदार है। आप इसके अगर देखते हैं पत्तों को जो है नेचुरल फ्रेशनर का काम भी करता है। तो चार पांच पत्तों को आप तोड़िए और मुंह में चबाइए, बहुत बढ़िया काम करता है। तीसरा इसका जो बेनिफिट है, ये तनाव को दूर करता है, क्योंकि इसमें इतनी अरोमा है, इतनी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है, इसका तेल भी बनता है। और इसकी अरोमा को अगर आप कोई जो है जिसको पे तनाव रहता है उसको आप अरोमा थेरेपी में अगर इस ऑयल को यूज करते हैं, घर में जो आपका डिफ्यूज़र होता है उसमें इस तेल को लगा कर रखते हैं, जलाते हैं, तो तनाव को दूर करता है। चौथा इसका लाभ है, ये सूजन को कम करता है। कहीं भी शरीर में सूजन है तो उस सूजन को भी कम करता है। पेट में गैस है, कब्ज है, उसको दूर करता है। पांचवा इसका जो लाभ है, छठा इसका लाभ है, इसकी नेचुरल हर्बल टी बनती है। इसको जो है कुछ पत्तों को आप तोड़िए और उनको धुलाई करके अच्छे से पानी में उबालिए और कुछ थोड़ा सा सौंफ या जीरा या तुलसी आप डाल सकते हैं, नहीं तो अकेला ही इसकी बहुत ज़बरदस्त नेचुरल ग्रीन टी की तरह आप इसको आप ले सकते हैं, जो कि मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, वेट लूज करेगा और बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर करेगा। और सातवां इसका जो लाभ है वो है ज़बरदस्त इसका कि क्या है, ये मूत्र वर्धक है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालेगा जैसे मैंने बताया। ठीक इसके साथ साथ इसका जो यूज है वो हेयर ऑयल में भी आप कर सकते हैं। हेयर ऑयल की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन हेयर ऑयल, उसमें आप जो है इसके पेडल्स को डाल करके धूमे आप रखते हैं उस तेल को, तो उससे बनता है। तो हेयर ऑयल में भी काम करता है। माइग्रेन या कोई भी सिर दर्द हो जाए तो इसके पत्तों को पीसकर आप सिर पे लगा सकते हो, या साइनस का प्रॉब्लम वहाँ आप लगा सकते हो, उस दर्द को भी दूर करता है। तो ये तो इसके लाभ हैं। तो अब आते हैं इसको हम कैसे इसको प्रोपेगेट करें। बड़ा ही बहुत ज़बरदस्त पौधा है ये। इसको आपने करना क्या, कोई भी आपने कटिंग लेनी है, जैसे मैं अभी एक ये कटिंग ले लेता हूँ, इसको यहाँ से मैं ये कटर है, इससे मैंने ये काट दिया। और आपने क्या करना है, जो नीचे के जो इतने हैं, इतने इन पत्तों को हटा देना है। ये हटा दिया मैंने इस तरह से, और इन पत्तों की आप जो है चाय बना सकते हैं, टी बनाएंगे तो
रोजमेरी टी बनती है, ये मैंने देखी है। पहले मिट्टी में जो ग्राउंड सोयल है उसमें भी आप उगा सकते हैं। नॉर्मल खाद लगा के मैंने 15-20 दिन पहले इसको लगाया था, तो आप जो है इसको ऐसे लगा सकते हैं। और कुछ ही दिनों में आप रोज़ पानी देते रहें, ज़्यादा पानी ना दें, धूप में ज़्यादा ना रखें, क्योंकि ये 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करता है। ठीक इसके साथ साथ आप जो हाइड्रोपोनिक जो टेक्निक है उसके द्वारा भी आप इसको यूज कर सकते हैं। ये मैंने एक बोतल जो है प्लास्टिक बोतल कट किया है, और इसमें जो है मैं इसको ऐसे एक सप्ताह तक इसको जो है रख दूंगा। दूसरे दिन जो है आप तीसरे दिन पानी को चेंज करते रहे, रूट जर्मिनेट कर जाएंगे अपने आप, निकाल के आप देख लीजिए। फिर आप जो है इसको अपने प्लांट या उसमें आप जो गमले में आप इसको लगा सकते हो, नीचे ग्राउंड में लगाना चाहे वहाँ लगा सकते हो, बहुत ही सुंदर है। तो ये तो है इसको बहुत ही लगाने की सरल विधि है, इसको लगाइए, अपने फ्रेंड्स में बांटिए, इसको गिफ्ट कीजिए इसको, और इसके जो है लाभ का फ़ायदा उठाएं प्लांट्स का। और मेरे चैनल डिवाइन नेचर क्योर को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, प्रकृति से प्यार करिए, पेड़ पौधे घर में उगाइए, आसपास अगर आपके जगह है, गार्डन है या कहीं भी खाली जगह है, पेड़ पौधे लगाइए। क्योंकि ये जो वायरस है इस तरह के, ये प्रकृति के अनबैलेंस की वजह से ही हैं। प्रकृति से प्यार करिए और प्रकृति में अपना सहयोग दीजिए। ओम शांति, थैंक यू।